जय हिंद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे BRO ग्रेप सेंटर पुणे एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 व्हीकल मैकेनिक ट्रेड के लिए कितना कट ऑफ जाएगा एडमिट कार्ड के लिए, प्रीवियस में आपका क्या कट ऑफ था, आपके कैटेगरी वाइज रिटेन के लिए, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पे बनी थी, उन सब के बारे में इस वीडियो में फुली डिटेल्स में जानेंगे। और कैसे आपका एग्ज़ाम पेपर आया था, कितने मार्क का था, कितना आपको टाइम मिला था, बिकॉज आपके बहुत सारे आपके ऐसे कमेंट्स थे व्हीकल मैकेनिक के बारे में। तो इस वीडियो के जरिए हम सभी डाउट्स आपके आउट करने वाले हैं। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुँच सके। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम सभी। व्हीकल मैकेनिक एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 जो आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, इशूइंग डेट भी आपका कमेंट है वो कब रहने वाला है। तो आपकी जो इशूइंग डेट होगी एडमिट कार्ड की रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, ये आप सबका मई या जून में आपके एडमिट कार्ड इशू होने लगेंगे, या ऐसा भी हो सकता है अप्रैल लास्ट तक, विकास बहुत ही ज़्यादा फास्टली काम हो रहा है यहाँ पर। इसको देखते हुए आपका सबसे पहले आपके एडवर्टाइजमेंट में कॉल लेटर में भी इशू किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत व्हीकल मैकेनिक की है। तो सबसे पहले मैं भी इतना मान के चलिए आपके एडवर्टाइजमेंट में जो आपका 04/2022 है, इसमें आपका व्हीकल मैकेनिक का ही कॉल लेटर इशू किया जाए रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। बट ये चेंज होता रहता है कब कैसा क्या हो। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो हो या ना हो, बट इतना ये है कि व्हीकल मैकेनिक का ही अभी तक ये है कि पहले कॉल लेटर इशू किया जाएगा, ठीक है। तो जैसा भी हो, बट आपके मई या जून में कॉल लेटर इशू होना स्टार्ट हो जाएंगे सभी ट्रेडों के लिए वन बाय वन। किसी का इस हफ्ते है, किसी का दो दिन बाद है या तीन दिन बाद है, ऐसे ऐसे आपके एग्ज़ाम्स होंगे एडवर्टाइजमेंट 04/2022 में सभी के। तो ये जो चालू होंगे अप्रैल लास्ट या मई या जून में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ये आप सबका संभवता डेट है जो आप सबका मंथ मैंने आपको बताया है, इन्हीं में आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे। अगर हम बात करें व्हीकल मैकेनिक में रिटर्न एग्ज़ाम के लिए क्या कट ऑफ आप सबकी रहेगी, पहले तो आपका यही कमेंट है कि मेरे 74% है या 73% हैं, हाई स्कूल में इतने हैं। मैं आपको बता दूं जो आपकी कट ऑफ बनती है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, यदि आप टेक्निकल हैं मीन्स ITI से हैं, तो सभी पोस्टों के लिए, जैसे आप लाइक व्हीकल मैकेनिक से हैं तो आपका जो रिटर्न के लिए अभी तक प्रीवियस में तो नहीं बना था कट ऑफ, ठीक है, जितने थे कैंडिडेट सभी को कॉल लेटर इशू किया गया था जो प्रीवियस में 293 आपकी वैकेंसी रिलीज़ हुई थी, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो आप सब इतना मान के ये चलिए आपकी कट ऑफ कोई भी नहीं बनेगी, जितने भी 60% एबव हैं सभी का कॉल लेटर इशू किया जाएगा। तो ये जो कट ऑफ अगर बनती भी है तो ये आप सबका टेक्निकल से मीन्स ITI बेसिस से आपके रिटर्न के लिए कट ऑफ बनती है जो एडमिट कार्ड आपको इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप इतना समझ गए होंगे लगभग ऑलमोस्ट आप सबके कॉल लेटर इशू किए जाएंगे जिनके 60% एबव मार्क हैं ITI में व्हीकल मैकेनिक के लिए, ठीक है। और भी जो ये वीडियो देख रहे हैं ITI से, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको ये ध्यान में रखना है आपका ITI से ही एडमिट कार्ड इशू होता है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 मीन्स 2021 जो इससे प्रीवियस में व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी आई थी, उसमें क्या आप सबका रिटर्न एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ बनी थी आपके कैटेगरी वाइज, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट दिख रही होगी जो फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए गिवन है। टोटल वैकेंसी आपकी जो प्रीवियस में थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 में 293 थी। तो इसमें जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ बना था मींस फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर इशू किया गया था, तो रिटर्न में यदि आपके नंबर अनरिजर्व में 74 हैं, SC में 68% हैं, ST में 62, OBC 71 और EWS का 61 था, ये आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल लेटर इशू किया गया था यदि आपके रिटर्न में इतने नंबर थे तो, ठीक है। और जो आपके टोटल कैंडिडेट बुलाए गए थे PET और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, वो टोटल आपके जो कैंडिडेट थे 437 कैंडिडेट को बुलाया गया था PET और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए,
जब ये कंप्लीट हो गया तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट प्रैक्टिकल टेस्ट में फ़ेल हुए हैं, और अगर हम पीटी की बात करें तो एक या दो कैंडिडेट इसमें भी फ़ेल हो गए हैं ऑल ओवर पूरे पीटी एग्ज़ाम में। तो पीटी का तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको मालूम ही है पीटी आपका 10 मिनट में 1600 मीटर या 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना होता है, तो नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होती। प्रैक्टिकल टेस्ट में डे बाय डे जितने भी सारे प्रैक्टिकल होते हैं उनमें 3 या 4 किसी में 5 किसी में 6 ऐसे ही उसमें भी कैंडिडेट फेल होते गए हैं। जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था तो आप सभी अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे, और बाकी जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट आएगा मैं आप सबको प्रिपेयर करने के लिए बताऊंगा भी। अब दूसरा आपका फ़ाइनल कट ऑफ आपकी क्या गई थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पे ये मेंशन भी है आपका जो रिटर्न आपका 12 जून को हुआ था उसके बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट की लिस्ट जारी की गई थी। अब जानेंगे हम फाइनल कट ऑफ आपकी क्या थी और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए कितने पे बुलाया गया था। तो ये आप सबका है व्हीकल मैकेनिक का फाइनल कट ऑफ, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल वैकेंसी थी कि मैंने 293, और जो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ थी वो पहले अनरिजर्व की 74 थी, उसके बाद में हो गई 75। एससी की आपकी पहले क्या ना थी वो ऐसी थी 68, अब हो गई थी 70। एसटी की आपकी 62 थी, बाद में हो गई 65। देन आपका आता है ओबीसी की 71 पहले थी और मेडिकल एग्ज़ाम में हो गई थी 73। ईडब्ल्यूएस की पहले 61 थी, बाद में हो गई थी 63। तो ये आपकी कट ऑफ थी, यानी एक या दो नंबर आपका इंक्रीज हुआ था फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कितना आपका फ़ाइनल स्कोर सेफ रहेगा और कितना आप सबको मेहनत करना होगा। लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो आपका रिटर्न टेस्ट हुआ था, रिटर्न टेस्ट में आपके टोटल 100 मार्के थे जिनमें आपका टेट थ्योरी और आप सबका था वो जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपका जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं किसी में प्रॉपर नहीं बचाया जा सकता, किसी में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी में 15 पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी में 16 या 17 भी हो जाते हैं, 20 से कम ही आपके क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के होते हैं। तो इतना आप मान के चलिए 80 प्लस आप सबके ट्रेड टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो आपके जीएस के होते हैं, ठीक है। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करेंगे, इतना आपका डाउट आउट हुआ है जो। और एक और ये डाउट होगा आपका, क्या जो आपका पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बता दूं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपके पास टाइम भी बहुत रहता है 3 घंटे का, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली डाउट आपका आउट हुआ होगा तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, डाउट है कोई तो कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।